बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर ब्लॉग नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम नोटिस लिया है और वो ये कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के हवाले से उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। इस समात में दिलचस्प पहलू ये है कि IG पंजाब ने साफ साफ बता दिया कि उनको FIR के अंदराज में रुकावट कौन बन रहा है। उन्होंने मलबा पंजाब हुकूमत पर डाला, लेकिन पंजाब हुकूमत यानी कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब किसके ईमा पर ये FIR नहीं कटने दे रहे। बिल आखिर बिली थैले से बाहर आ गई है और वह तमाम किरदार सामने आ चुके हैं, ये बताएंगे। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च में प्लान में तब्दीली आई है, शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू उसका भी अहवाल देंगे और साथ आपको बताएंगे आज़म सवाती का मामला जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है और वीडियो से मुतालिक नई डेवलपमेंट आई है। और साथ ये भी बताएंगे आपको कि ये वीडियो सबसे पहले किस खातून सहाफ़ी को भेजी गई और वो खातून सहाफ़ी जो दावा कर रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, रात भी मैंने वीडियो बनाई थी, इतना अफसोसनाक कि मियाँ बीवी की वीडियो बनाई गई और उस खातून ने एक बहुत बड़ा किसी के ईमा पे पर दावा किया, वो क्या दावा है, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, यूँ आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक बात थी कि 5 दिन गुजरने को हैं इमरान खान साहब के कत्ल के मुकदमे की, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी, पर्चा नामजद मुलजमान के खिलाफ नहीं हो सका और रुकावट बनी। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान ने तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म होने के हैसियत से, और दूसरा ये कि एक पार्टी के चेयरमैन और मकबूल लीडर होने के बावजूद उनके ऊपर कातलाना हमला होता है और वो अपनी मंशा और अपने जिनके ऊपर खदशात हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत पंजाब में होते हुए मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। इंसानी हकूक की इससे बढ़कर खुली खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटोले, उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफ से कमीशन बनाने का भी खैर मकदम किया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर आज उस मामले को टेकअप तो किया है लेकिन फुल कोर्ट बेंच है वो नहीं बनाया, बल्कि IG जो पंजाब हैं उनको लाहौर रजिस्ट्री में तलब किया गया, वो वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर हुए। उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उस पर समाप्त करते हुए इमरान खान के हमले के हवाले से IG से पूछा। चीफ जस्टिस ने कि हजूर बताइए क्या वजह है कि 5वां दिन है, शवाहद मिट जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे और आपने अभी तक मुकदमे दर्ज नहीं किया, इससे क्या बदनीयती ज़ाहिर नहीं होती कि शवाहद मिट जाएंगे और केस ख़राब हो जाएगा, आखिर आपने ये काम क्यों नहीं किया। अब IG पंजाब साहब फैसल जागा साहब फरमाते हैं कि जी मुझे पंजाब हुकूमत ने मना किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एक लिहाज से पंजाब हुकूमत और परवेज़ इलाही के ऊपर जो खदशात उठाए जा रहे थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ईमा पर या उनको कहा जा रहा है ना मालूम, जो सबको मालूम है, उनकी वजह से जो है वो FIR नहीं काट रहे और उन्होंने ये मामला उसकी तरफ रेफ़र कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये मामला रेफ़र हुआ फौरन ही ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पर यह बात और तनकीद शुरू हो गई कि जनाब अब तो IG पंजाब ने भी कह दिया कि वो 10 सीटों वाला शख्स जिसको इमरान खान ने उसके ऊपर भला किया, उसको वज़ीर आला बनाया और आज वो वज़ीर आला बनने के बाद इमरान खान के कत्ल के मुकदमे की FIR दर्ज नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजह है। यह तनकीद जारी थी कि जनाब मोना सलाही ने ट्वीट करके इस किस्से को भी तमाम कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने मना नहीं किया बल्कि ये कहा कि नामालूम अफराद पर, अब ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है जनाब कि नामालूम अफराद कौन है, नामालूम अफराद। और यहाँ पर कानूनी माहरीन कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के तहत FIR एक जो मजरूब होता है, जो जिसके ऊपर तशद्दुद होता है या कातलाना हमला होता है, वो उसका आईनी हक है, अगर तहकीकात में साबित ना हो ये अलग बहस है और वहाँ पर साबित करना ना करना ये उसका काम है, लेकिन उससे पहले किसी से ये हक छीन लेना और उसको हक ये ना देना ये सरासर नाइंसाफ़ी और इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। और आज 5 दिन बाद आखिर ये जो है हुक्म दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि FIR उन मुलजमान के खिलाफ कटती है या नहीं कटती जिनको नामालूम करार दिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान की जानब से नामालूम नहीं है, उन अफराद के नाम बता दिए गए कि ये अफराद हैं कि जिन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमले की प्लानिंग की है, उसमें वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला है, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और एक जो है वो फैसल नसीर साहब हैं जो एक
آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ بات کیا کریں. جو پاک فوج کی طرف سے ایک بڑے اہم عہدے پہ ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی میں, ان کا نام ہے, لیکن ایف آئی آر کٹتی ہے یا نہیں, یہ ایک اب امتحان ہے پنجاب حکومت کا. اور اب دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر نہ ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ پھر ہم سو موٹو لیں گے, پھر ہم توہین عدالت کی کارروائی چلائیں گے. اب دیکھتے ہیں 24 گھنٹے اسٹارٹ ہو چکا ہے, جو گنتی ہے اس کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جناب اعظم سواتی نے آج پھر سپریم کورٹ میں آئے اور وہاں پہ باہر میڈیا سے ٹاک کی, انہوں نے بتایا کہ جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو انہیں کی ہے, یہ جو بکواس کیا جا رہا ہے نا کہ غلط ہے جناب, جھوٹ ہے, اور ہم نے ایف آئی اے نے وہ دعویٰ کیا تھا, سب دعوے کی کھل گئی کلیاں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ مکسنگ ہے, لیکن جو کمرہ ہے, جو جگہ ہے اور جس کو دکھایا گیا ہے وہ میں اور میری مسز ہی ہیں. اس کے علاوہ مزید وہ کیا کہے, کس طرح کہے, اور یہاں پر افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ویڈیو جو سب سے پہلے بھیجی گئی, جس سے ٹویٹ کرایا گیا, وہ ہے غریدہ فاروقی, یہ خاتون صاف ہے جس نے کہا کہ میں نے دیکھی ہے, اس نے ٹویٹ میں تسلیم کیا. یعنی کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے ان کو بھیجی گئی, پھر حامد میر صاحب کو بھیجی گئی, اور حامد میر صاحب نے ماشاءاللہ متاثرہ فریق سے موقف جانے بغیر ہی ایک خاص نریٹو کو, بیانیے کو ترتیب دینے کی کوشش کی, اس کے مددگار ہوئے, معاون ہوئے. تو جناب یہ ہے اب تک کی صورتحال. لانگ مارچ کے حوالے سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ اب منگل نہیں بلکہ بدھ کو ہوگا, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ کل ہم بروز منگل جس جگہ پر فائرنگ ہوئی تھی اسی جگہ پر جمع ہوں گے, وہاں پر دعا خانی ہوگی, وہاں پر ہم نوافل ادا کریں گے, وہاں پر قربانی کے بکرے بھی قربان کیے جائیں گے, مطلب ہے کہ صدقے کے بکرے, اور اس کے بعد لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. پھر یہ قافلہ اسلام آباد کی جانب بڑھے گا. دوسری جانب اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس نے, سندھ پولیس جو واپس چلی گئی تھی, اس کو درخواست کی ہے کہ حضور واپس آ جائیے, اور ساتھ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جناب دھمکیاں میز ٹویٹ بھی جاری ہیں کہ راستے بند کر دیے گئے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹویٹر ہینڈل کسی پولیس کا ہے یا کسی سیاسی جماعت کا ہے, یا وہاں پر کوئی ایسا شخص بٹھا دیا گیا ہے کہ جس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے, ورنہ ٹویٹر پر اس طرح کے ٹویٹ کرنا سمجھ سے بالا تر ہے. اس سے پہلے وفاقی پولیس, جس کو ایک مثالی پولیس قرار دیا جاتا ہے, اس کی مثال دی جاتی تھی, وہ اس کے اس طرح کے پولیٹیسائزڈ ٹویٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں جناب, نئے مرحلے تک انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.